जय अश्विनी भाई, जय हिंद। जय हिंद। यार एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी में यह है कि पहला सीडीएस तुमने 17 दिन में निकाला है। हाँ, ये सच है। और एक एक बात मैं जो यहाँ बोलूंगा, हर एक बात सच है। जो और मेरा काम है, एक एक छोटी छोटी चीज, एक एक छोटी छोटी डिटेल जो मैंने करा है वो मैं आप लोग से शेयर करूं। एफर्ट सब लोग देते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं। बहुत लोग 3 3 साल, 4 4 साल सब कुछ करते हैं, बट एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फर्क है, यही बताना है। जिनको आपने देखा उनका नाम अश्विनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला 17 दिन में निकाल रहा हूं। अब यहां पर वो कैसे निकाल रहे हैं आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि यहां पर ये मतलब झूठी कहानी लगती है। 17 दिन में यूपीएससी निकालनी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए और आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेगी। इनके पास कुछ ऐसी चीज थी जो आपके पास नहीं है, वो है माइंडसेट। क्या जब आपके पास कम दिन होते हैं और बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, आपका दिल घबरा रहा होता है, बेहिंतहा दिल घबरा रहा होता है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सुबह अगले दिन बिस्तर से उठा नहीं जाता डर के मारे, और आज का दिन कल पे पेंडिंग हो रहा होता है, ये कारण होता है। इस वजह से आप नहीं कर पाते हैं। इनकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा जैसा इंसान नहीं है? इनकी जिंदगी में फेलियर आए हैं और वो फेलियर इनको डरा रहा था आगे आगे बढ़ने से। अब इमेजिन माई सेल्फ इन अ सिचुएशन, लाइक मेरा 12th हो चुका है, 12th वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ है, 1 साल ड्रॉप लेके, दिमाग ऑलरेडी पागल होते रहता था, 1 साल ड्रॉप लेके मेरा अभी भी नहीं हो गया है। अभी भी नहीं, कोई कॉलेज तक नहीं मिल रहा है जहाँ मेरे दोस्त लोग पहले अटेम्प्ट में कोई ना कोई कॉलेज में घुस चुके हैं। ठीक है, अब देन फिर उसके बाद बोला 1 साल और, आई वेंट टू कोटा, कोटा ठीक है। इंजीनियरिंग मेडिकल हब एलन, अच्छे से प्रिपेयर करा बहुत अच्छा से। मतलब ऐसे मैं बताऊँ ना कि एक सुबह में एक ऐसा फेज था मेरा वहाँ कोटा में, नवंबर से दिसंबर, जिसमें 1 महीने में अपने रूम से नहीं निकला था। सिर्फ अच्छा, मेस, सिर्फ खाना आता था और वो टिफिन आती थी, वो खाते थे, नहाते थे, वही। जब 1 महीने बाद निकला तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो इंसान आपकी तरह है, अश्वनी आपकी तरह है इंसान। क्योंकि कोटा याद है वो पल, वो कोटा फैक्ट्री में कहते हैं, बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा, तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। आज तक सोच के देखो, बीएससी खत्म हो गई, सीडीएस यूपीएससी देने जा रहा है इंसान, कोटा ने निकला, वो यादें नहीं जा रही है इसके दिमाग से। वो जो फेलियर तुम देखे हो ना, जो 12th के बाद के सपने होते हैं एनडीए के, है ना, वो ये देख चुका है, वो डर वो देख चुका है, वो फेलियर वो महसूस कर चुका है जो तुम कर रहे हो। अब इसने अपने आप को बदला है, तुम्हें भी बदलना है। वैसे भी तो ये सीडीएस है, इसमें तो 4 4 अटेम्प्ट, 5 5 अटेम्प्ट में नहीं होता है। आपके हाँ, इंटरव्यू में ही देखा था मैंने, 5 टाइम रिपीटर्स, टर्न्स या क्रैक्स द रिटेन एग्जाम, 3 टाइम्स रिपीटर क्रैक। मतलब ये मैंने से नीट नहीं हुआ, ये कहाँ होने वाला है, ये यूपीएससी का एग्जाम ये कहाँ होने वाला है। बट जब 20 को मतलब छुट्टी मिली कि हाँ इंटरनल से ब्रेक मिला, तब लगा कि 17 डेज है, अब क्या। अभी मैं किसी को एंकरेज ये नहीं कर रहा हूं कि 17 दिन में तैयारी करो, बेवकूफाना हरकत है। जब 6 महीने पड़े हैं, 17 दिन में क्यों तैयारी करोगे? बट यार तुम समझो, अगर मान लो आपका इंटरव्यू ले रहा हूं मैं, आपकी जिंदगी से अगर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है जिससे मेरा माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है, तो क्या गलत है? यहां पर उन्होंने दो जगह से तैयारी की थी, एक डिफेंस में नहीं और दूसरी बुक्स, दोनों का जिक्र करते हुए मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। एक एक दिन, जो 17 दिन है ना, उसको एक एक दिन तोड़ूंगा, 17 16 15 14 13 3 2 1, एक एक दिन तोड़ूंगा मैं आपके सामने। आपको यहां पर समझना है उनसे कि क्या कहानी है, क्या जिंदगी है उनकी, क्यों ऐसी गलतियां मैं कर रहा हूं और ये इंसान समझ गया और अब नहीं कर रहा है। ये गलतियां हमको समझनी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको दो काम करने हैं। पहला, 300 लाइक्स देने हैं, प्लस अपने सवाल पूछने। अपने सवाल पूछो, आपके सवाल आपको अंदाजा कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं मानता हूं अगली वीडियो में नहीं ला पाता, इस वीडियो में भी हो सके ना ला पाए, पर मैं नोट डाउन करता हूं, दिस क्वेश्चन नीड टू बी आस्क। डिफेंस एस्पिरेंट के दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं वो उस इंसान के दिमाग में नहीं आते जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। मैं कर चुका हूं तो मेरे दिमाग में नहीं आते, आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज आस्क एंड ऑल्सो गिव 300 लाइक्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये वीडियो आ रही है रात को 9 बजे, कल यस्टरडे आनी थी, नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि आपने करा हुआ वादा पूरा नहीं हो पाया। 300 लाइक्स रह गए थे। 300 लाइक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो की रिलीज से पहले। वो ये जताते हैं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हर बच्चे तक पहुंचती है वो वीडियो जिसको उसकी जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं 300 लाइक्स आप दें बिफोर रिलीज। लिंक आपके सामने यहां पर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करें और यहां पर जाकर आप 300 लाइक्स दें प्लस सवाल पूछें। इंतजार कर रहा हूं, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।